छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी नियमितीकरण करने की मांग को लेकर कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। स्कूल सफाई कर्मचारी पिछले 12 सालों से सरकारी स्कूलों में सेवारत होकर स्कूलों की साफ सफाई करते आ रहे हैं। स्वच्छता के प्रति कर्तव्य निष्ठा और साथ ही में कार्य कर रहे हैं, जिसकी मजदूरी वेतन अधिनियम 1948 श्रम कानून से कम मजदूरी दर प्राप्त होती है। उन्हें राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी से भी कम मजदूरी दर पर भुगतान किया जा रहा है। एक दिन का परिश्रमिक 82 रुपए के हिसाब से लगभग माह में 2300 रुपए दिया जाता है। इतनी कम मजदूरी से घर परिवार का संचालन करना कठिन हो गया है। दूसरी ओर महंगाई दिनों दिन लगातार बढ़ रही है। वही वर्तमान समय में 10,000 रुपए पूर्णकालीन मासिक कलेक्टर दर है और हम कर्मचारियों को कलेक्टर दर का 1/4 भाग दिया जा रहा है, जबकि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। संघ के कर्मचारियों ने कहा है कि 90% कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण से परिवार में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और मानसिक परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि मुख्य कारण कम मजदूरी मिलना है। सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष कोरबा पंचम दास, जिला उपाध्यक्ष लखनदास दीवान, साथ ही में जिला सचिव गणेश राम, सचिव गुलशन कुमार, ब्लॉक पाली कोरबा संतोष श्रीवास और ब्लॉक अध्यक्ष करतला कावित्री राठिया, साथ ही में ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रकाश दास और सभी सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। कैमरामैन चित्रलेखा श्रीवास के साथ में संभागीय ब्यूरो चीफ अशोक कुमार श्रीवास की रिपोर्ट। जी मैडम, आपके परिचय बताएंगे। मैं कोरबा जिला से कवित्री भाई राठिया, करतला ब्लॉक बिस्कुट सफाई कर्मचारी संघ के माध्यम से ज्योत्सना दीदी और चरण दास भैया के बंगला पहुँचे और अपने मोबाइल में ज्योत्सना दीदी ने जानकारी दे हैं कि हमार मांग कब तक पूरा हुई दीदी का। अगर बोले मैं तो दीदी बोली कि तुरंत आज पहुँचो 12-1 बजे तक, ताकि मैं तुम्हें सहयोग कर सकूँ। अच्छा। पूरा 3-4 जिला के दीदी भैया मन इकट्ठा होकर के वहाँ पहुँचे और अपन दुख ल वहाँ बताया हन। और ज्योत्सना दीदी और चरण दास हमारे भैया जी लेटर लिख के हमला तत्काल दे हैं और हमें तत्काल मुख्यमंत्री ऑफिस में दे हन और हमला 22 या 23 के निराकरण बताए। मंत्रालय से का अपन ला संदेश मिली से? मंत्रालय ले संदेश मिले है कि सामने में मुख्यमंत्री लान के घोषणा सामने में करवाओ करके संदेश मिले। जी आपके परिचय बताएंगे। जी मेरा नाम पंचम दास, कोरबा जिला अध्यक्ष। जी कहाँ से हैं? जी कोरबा से मैं, उसको सफाई कर्मचारी कोरबा जिला अध्यक्ष। जी आज रायपुर मंत्रालय पहुँचे हैं, किस विषय को लेकर पहुँचे हैं और क्या समस्या है आपकी? हम लोग आज रायपुर मंत्रालय जो कमेटी का बैठक किया गया था उसके क्या निर्णय जो भारती दासन जी ने हमको कुछ समय दिया था उस समय के संबंध में पूछने के लिए हम यहाँ मंत्रालय आए हैं। उसके साथ में हमारे जो सांसद हैं कोरबा सांसद श्रीमती जो सोना महंत हैं उनसे भी हम बुलाया गया था, उनसे भी हमारी मुलाकात किया गया, जिसने हमको हमारे सफाई कर्मचारी और साथीगढ़ थे, अन्य जिले से भी थे, हम कोरबा जिला से पदाधिकारी और साथीगढ़ थे, उनको उनके द्वारा आश्वासन मिला और हमारे लिए प्रयास करने के लिए, और उन्होंने एक मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए एक लेटर भी जारी किए और साथ में वहां फोन भी लगाए, तो जल्द ही 1-2 दिन आज शाम को या कल मुलाकात करने के लिए भी बोला गया है। और जो भी हमारे जो जिले में कोई भी कर्मचारी को हटाया जा रहा है या कोई भी प्रकार की समस्या है उसके लिए डीओ को तुरंत उसने कॉल किया। थैंक यू। जी आपके परिचय बताएंगे। जी मैं राजन कुमार साहू, स्कूल सफाई कर्मचारी संघ प्रांत अध्यक्ष। कहाँ से आए हैं? जी मैं कबीर धाम से आया हूँ और मेरे साथ कोरबा जिला से, धमतरी जिला से और अन्य जिलों से मेरे साथ यहाँ मंत्रालय उपस्थित हुए हैं। रायपुर मंत्रालय आज पहुंचे हैं, किस विषय को लेकर पहुंचे हैं और क्या मांग है आपका? हमारी 3 तारीख को स्कूल सफाई कर्मचारियों की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में हुई थी। उस तारतम्य में हम माननीय शिक्षा सचिव डॉक्टर भारती दासन जी से मुलाकात करने के लिए आए थे। हमारी एक ही मांग है, हमें अंशकालिक से पूर्णकालिक मानदेय। 3 तारीख को डॉक्टर भारती दासन जी से सार्थक चर्चा हुआ था,
उस तारतम्य में आज हम उनसे मुलाकात किए और अपनी जो अंशकालिक से पूर्णकालिक मानदेय है उस पर हमने चर्चा किया। उन्होंने हमको आश्वस्त दिलाया, 3 तारीख को भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि आपकी जो जायज मांग है मैं बिल्कुल इसको पूर्ण कराने के लिए भरसक प्रयास करूँगा। और आज दिनांक को डॉक्टर भारती कृष्णन दास जी से हम मुलाकात किए, उन्होंने हमारी हड़ताल पर खुशी स्थगित पर खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो स्थगित किया है उससे मैं बहुत खुश हूं और आने वाला जो 20 तारीख या 23 तारीख को मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री के सम्मुख खड़ा करके आप लोगों की जो मांग है उसको पूरा कराने का भरसक प्रयास करूंगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो भी फाइल तैयार होगी डायरेक्ट मुख्यमंत्री से चर्चा होने के बाद आप लोगों की एक फाइल तैयार होगी और आगे दिशा निर्देश जारी होगी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया खबर 24 न्यूज चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही ताजा तरीन खबरों की तमाम नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फोन पर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।